नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन में। देश भर में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रातः काल बेला में व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद उनकी और मां षष्ठी की पूजा विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और इसके बाद व्रत का पारण किया। बता दें कि ये व्रत कुल 36 घंटे का था, जिसे व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के समापन के बाद खोला है। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड राज्य में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। करीब लाखों की संख्या में व्रती महिलाओं ने जगह जगह घाटों पर अपनी आस्था की उपस्थिति दर्ज करवाई। पूरा रात निर्जल रहते हैं बिना पानी के, घाट पे आके अर्घ देते हैं छठी मैया सूरज भगवान के, फिर चौथा दिन भी आके अर्घ देते हैं। जब तक अर्घ उर्घ नहीं दिया था तब तक पानी उनी भी नहीं पीते। पूरा 4 दिन का पर्व होता है ये, हमारी सबसे महापर्व होता है बिहार का, जो कि हम लोग 3 दिन का इसमें व्रत रखते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है और इससे हमारी जो भी मनोकामनाएँ होती हैं वो हमेशा ही पूरी होती हैं। सूर्य भगवान हमेशा पूरे करते हैं छठी मैया, और इसका बहुत ही महत्व होता है। ये हमारी खानदानी मतलब बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्व है। ये 3 दिन से हम व्रत रखते हैं। बहुत कठिन व्रत होता है ये। ये शाम को हम डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और फिर सुबह उगते सूरज को अर्घ देते हैं, उसके बाद ही हमारा ये व्रत खुलता है। वहीं पौड़ी जिले में सीएमओ कार्यालय सभागार में आयोजित मासिक बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को केंद्र और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पंचायत स्तर तक त्वरित गति से संचालित करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 2025 तक टीवी मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया है। इसके तहत 15 ब्लॉकों की सभी पंचायत स्तर पर टीवी मुक्त पंचायत अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं की समीक्षा मासिक बैठक में की गई। इस मौके पर 15 ब्लॉकों के मेडिकल ऑफिसर्स इंचार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंटेंट मौजूद रहे। सीएमओ ने कहा कि पिछले बैठक में निर्धारित किए गए लक्ष्यों में रह गई कमियों की समीक्षा भी बैठक में की गई है। स्पेशली हमारी मासिक बैठक जैसे हर महीने होती है, उसी तरीके से इस बैठक को थोड़ा सा हमने दीपावली के बाद इसलिए रखा क्योंकि अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि विकसित संकल्प यात्रा भी होनी है जो 23 तारीख से शुरू होगी और साथ में पंचायत मुक्त टीवी भी होना है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमने इस मासिक बैठक को तुरंत दीपावली के बाद बुलवाया। और जितनी भी हमारे जो सेवाएँ हमारे दूर ग्राम स्तर तक पहुँचती है उन सबकी यहाँ पर समीक्षा की जा रही है, जैसे HMS पोर्टल पर कहाँ कहाँ पर जो हमारी सर्विस डिलीवरी है, जच्चा बच्चा से लेके अभी इम्यूनाइजेशन को लेके, टीकाकरण को लेके और विभिन्न प्रकार के जितने हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम इसमें चल रहे हैं उन सभी की अभी यहाँ पे समीक्षा की जाएगी। वहीं झांसी में 19 सितंबर को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से पुलिस अभिरक्षा से 3 शातिर चोर पुलिस अभिरक्षा से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना GRP में पंजीकृत हुआ था। पूर्व में फरार 2 आरोपियों को GRP पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष फरार अभियुक्त फरार होने के बाद जबलपुर चला गया था। उसके बाद 2 माह बाद वो फिर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जा पहुंचा, जहां पर GRP पुलिस द्वारा उसे 25,000 के फरार इनामिया अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। GRP पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़ा गया अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है, जिसके ऊपर काफी मुकदमे दर्ज है। देखिए, 19 सितंबर 2023 को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से पुलिस अभिरक्षा से 3 बंदी फरार हो गए थे, जिसके उपरांत GRP थाना झांसी पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण में 2 अभियुक्त पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीसरा अभियुक्त गया प्रसाद, जो 25,000 का इनामिया था, झांसी GRP को उसकी तलाश थी। आज सुबह झांसी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कासगंज में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल कासगंज कलेक्टर पहुंचा, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन
कासगंज एसडीएम और एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में की गई मांगों के बारे में बताते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी ने कहा कि कासगंज शहर के जिला जेल तक जो सड़कें गई हैं वो काफ़ी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी। इस सड़क की मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुई। इस सड़क मार्ग पर काफ़ी गांव पड़ते हैं और उच्च अधिकारियों का भी आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद भी इस सड़क की मरम्मत कई वर्षों से नहीं हुई है। स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए आज हमने कासगंज के जिला अधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवाई जाए। जहाँ पर हमारी एडीएम साहब और एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है, चूँकि डीएम साहिबा छुट्टी पर हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम हमने एक 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि जेल रोड बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में है, जेल रोड को बनाया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि गोरा कासगंज से जो नहर होते हुए सड़क जा रही है उसको चौड़ा किया जाए और उसको बढ़ाया जाए, ताकि ये आगे चलकर ये बाईपास बन सके सावर का, गंजडवारा का, पटियाली का, दरियावगंज का। तो हमारी ये दूसरी मांग है कि गोरा कासगंज से इस सड़क को डबल किया जाए और चौड़ा करके अलीगंज तक कम से कम लिया जाया जाए, ताकि ये बाईपास का काम करे। तीसरी मांग हमारी ये है कि पटियाली से लेकर जो सड़पुरा होकर जो मार्ग बन रहा है वो काफ़ी सालों से बन रहा है, अभी वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो इस कार्य को जल्दी किया जाए। वहीं मैनपुरी में साइबर ठग गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 2 लाख से अधिक की नकदी, एक कार, फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के खिलाफ 4 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। ये लोग कस्बा वेवर के SBI ब्रांच में ठगी करके फरार हो गए थे। मामले की कार्रवाई थाना बेवर पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से की है। कि ये शर्वाधार सिंह है, बेवर के रहने वाले। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एक 3 लाख का चेक लगाया था, तो वो इनका चेक चोरी हो गया था और बाद में ये पता चला कि ये आगरा कैंट से केनरा बैंक से इसका भुगतान भी हो गया है। तो उन्होंने एक FIR दर्ज कराई, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें FIR दर्ज कराने के बाद ये हमारी साइबर सेल को इसको जाँच के लिए दिया गया। वहीं देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर गांव निवासी हाफिज शहादत हुसैन अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। राष्ट्रीय सचिव मनोनीत होने के बाद सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनका नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई। स्वागत से गदगद हुए अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव हाफिज शहादत हुसैन अंसारी ने नेता और कार्यकर्ता को स्वागत के लिए धन्यवाद दिया और लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगी। उनके मनोनयन पर जिलाध्यक्ष व्यास यादव, प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव, विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव, आजम शेख, पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र शर्मा, पूर्व प्रधान हंसनाथ यादव आदि लोगों ने बधाई दिया। मैं शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी का, और शुक्रिया अदा करता हूं अपने मौलाना इकबाल खान कादरी साहब का, और सभी बड़े नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कि ये ज़िम्मेदारी जो मुझे मिली है, इस ज़िम्मेदारी का अंजाम पूरी तरीके से पूरा करूंगा और मेहनत करूंगा, लोगों को जोड़ूंगा भी, गलियों में जाके, घरों में जाके, और सभी लोगों से गुजारिश करूंगा और ख़ास तरीके से अल्पसंख्यक के लोगों को कि वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं ना वोट करें। आप किसी भी तरीके से सामने 2024 के अंदर हमारे सारे प्रत्याशी कामयाबी पाएँ और हमें फतह भी हासिल होगी। जो संघर्ष चल रहा है, जो मेहनत चल रही है हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की। वहीं हरदोई जिले में एक गांव निवासी युवती ने 5 लोगों पर चाट खिलाने के बहाने गाड़ी में डाल कर ले जाने का आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि एक कमरे में बंद कर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। 11 नवंबर की शाम गांव के पास उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में जीजा साले के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की है। युवती को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वहीं पीड़ित युवती किसान यूनियन नेताओं के साथ SP के पास पहुंची और मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप लगाया है। SSP ने बताया कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
मैं दुर्गेश कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी हरदोई। थाना क्षेत्र पाली की घटना है। इसमें पूर्व में ही 366 में अभियोग पंजीकृत हुआ था। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और इसके पश्चात 164 का बयान माननीय न्यायालय में भी कराया गया, जिसमें कुछ व्यक्तियों के नाम उसमें आए, कुछ 3 व्यक्तियों के, और इसमें आपने आवश्यक कार्रवाई की जा रही, विवेचना प्रचलित है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। वहीं सहारनपुर में उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही सोमवार को 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो गया। इससे पहले भोर में 4 बजे से ही व्रती महिलाओं के साथ उनके परिवार के लोग गाजे बाजे के साथ घाटों पर पहुंचने लगे। व्रती महिलाओं ने छठ मैया की वेदी पर पूजा अर्चना की। जनपद सहारनपुर में गंगोह रोड स्थित पूर्वी यमुना नहर और बाबा लालदास बाड़ा स्थित पावधोई नदी के घाट पर पूर्वांचल वासी सुबह सूर्योदय से पहले ही इकट्ठा हो गए। पूजन की सामग्री लोग अपने साथ लेकर पहुंचे थे। इसके बाद नहर के पानी में खड़े होकर पूजन किया। बता दें कि छठ मैया की विशेष पूजा करने के साथ ही उगते सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है। वहीं छठ पूजा सेवा समिति पूर्वांचल सांस्कृतिक सभा पूर्वांचल महासभा की तरफ से छठ महोत्सव को लेकर विशेष तैयारी की गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आपके सरोकार की खबर, आपके क्षेत्र की खबर और आपकी अपनी खबर पहुंचाएगा न्यूज वॉल इंडिया आप तक। तो अभी डाउनलोड करें न्यूज वॉल इंडिया ऐप। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, हमने न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं। और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है। हम घर घर तक, गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं। हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें। तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद, तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप। यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोटद्वार से चौबट खल्ला तथा चौबट खाल से कोटद्वार आने वाली बसों की श्री कोट खाल एकेश्वर के समीप आपसी भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बसों में सवार 22 लोग घायल हो गए। मामला राजस्व क्षेत्र से जुड़ा था, लेकिन सूचना सतपुली पुलिस कंट्रोल रूम को मिलने पर थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी, पुलिस बल, SDRF और राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। आज प्रातः 112 में सूचना आई कि एकेश्वर ब्लॉक सतपुली में 2 बसें जो हैं उनकी आपस में भिड़ंत हो गई है। इस सूचना पे तत्काल जो संबंधित थाना प्रभारी हैं उनको और SDRF की जो हमारी टीम सतपुली पे बेस्ड है उनको रवाना किया गया। मौके पे किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी और जो लगभग 22 लोग घायल थे उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जो निकटवर्ती हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है। किसी के भी मेजर इंजरी की सूचना नहीं है और जो भी है वो हल्की फुल्की चोट है और कई ऐसे थे जिन्हें प्राथमिक उपचार देकर उनके घर के लिए रवाना किया गया। देखिए, जो घटना है वो राजस्व क्षेत्र में हुई थी, परंतु चूंकि हमारे यहाँ 112 में सूचना प्राप्त हुई थी इसलिए निकटवर्ती थाना जो है सतपुली वहाँ से तत्काल फोर्स को और SDRF को रवाना किया गया था और फोर्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच के जो भी घायल थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से निकटवर्ती हॉस्पिटल भेजा गया। वहीं झांसी के मोरानीपुर किसानों को जब भी खेत के लिए खाद की जरूरत पड़ी उन्हें भूखे प्यासे लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा ही मामला सोसाइटी का है, जहां किसान सुबह से खाद के लिए लंबी लाइन में लगे रहे। वहीं आरोप है कि दलाल और असरदार लोगों को खाद की बोरी दी जा रही है,
ग्राम भकौरा की महिला लंबी लाइन में सुबह से लगी थी। सैकड़ों की संख्या में भीड़ में महिला गिर पड़ी। उसने बताया कि सुबह से भूखे प्यासे लगे हैं, लेकिन मेरी पर्ची नहीं बना पाई। वहीं किसानों ने बताया कि आगामी चुनाव में किसानों की परेशानी का परिणाम देखने को मिलेगा। आखिर जब किसान अपने खेतों में समय से खाद का छिड़काव न कर पाए तो कैसे फसल की उपज होगी? निश्चित है कि किसान परेशान होगा। सोसाइटी पर हजारों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इस बार पुलिस व्यवस्था देखने को नहीं मिली। मौजूद किसानों का कहना है कि कुछ पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर आते हैं और अंदर जाकर पर्ची बनवा कर निकल जाते हैं। कहाँ से हम आप? मकोरे से। क्या घटना घट गई आपके साथ अभी? लोगों ने पटक दिया हमें, सब ने। कैसे पटक दिया? ढकेल ढकेल के पटक दिया। कहाँ लगी थी आप? वो बीच में लगे थे, लेन में लगे थे, सब ने हाथ लेने के लिए। लेन में अकेले आते हम। कब से लगी आप खाद लेने के लिए? सुबह के लगे, 5 बजे के। नहीं मिला खाद आपको? नहीं मिला भैया। पुलिस उलिस नहीं थी वहाँ पर? नहीं आती। वहीं सहारनपुर के थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद की गई है। 18 तारीख को वादी अब्दुल वाहिद की स्कूटी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने के संबंध में थाना जनकपुरी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपयुक्त चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए उक्त घटना का शीघ्र अनावरण करने और वाहन चोर की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। वहीं श्रावस्ती में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। काफी दिनों से दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर मामला चल रहा था। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मां बेटे समेत 3 लोग मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मृतक के शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जानकारी होते ही एसपी प्राची सिंह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। ये बाबूपुरवा गांव पड़ता है, थाना मल्हीपुर अंतर्गत। यहां से हम लोगों को लगभग 11 बजे सूचना मिली थी पुलिस को कि यहां पे 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक की मृत्यु हो गई है। सूचना मिलते ही थाना की पुलिस, सीओ साहब और मेरे द्वारा तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। हम लोग ने यहाँ पे जब मृतक के फादर से बात की है तो उनके द्वारा सभी चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं। ये पुराना इन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था कई साल पहले। जो अक्यूज्ड है इसमें मेन पंकज, उनके पिता ने मौखिक रूप से इनको ज़मीन बेची थी, जो मृतक के फादर हैं। और आज उसी में जो मृतक है वो ज़मीन की बुआई उवाई कर रहे थे, फसल असल काट रहे थे, जिसको अक्यूज्ड और उनके साथ और 4-5 लोग थे, उन लोगों ने जो है इस पे ऑब्जेक्शन किया और उसको रोकने की कोशिश की। इसी में दोनों लोगों के बीच हाथापाई हुई और पंकज जो कि मेन अक्यूज है, इन्होंने मृतक विद्याराम इनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे मौके पे उनकी मृत्यु हो गई। कैबिनेट पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री आगरा पहुंचे, साथ ही अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठ के बेसहारा और आवारा पशुओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। साथ ही कहा कि सरकार ने 1 से 31 दिसंबर तक आवारा पशुओं को लेकर अभियान चलाया है। किसानों की खेती को बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में कसाई को देख कर गाय कांपती थी, योगी सरकार में गाय को देखकर कसाई कांपता है। योगी सरकार ने गायों की देखरेख के लिए गौशाला में प्रति गाय 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए का अनुदान और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही है। हम अब वैक्सीन भी बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो आपको सीमन की बात बताई है, ये सीमन है उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है, हमारे फार्म्स में है, जिसमें हम इन चीज़ों को तैयार करने का काम कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पशुधन में बहुत आगे है और ये गाय हमारा धनी नहीं गौ माता, वास्तव में गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है। अमेठी में भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाला पंचायती राज विभाग में एक बार फिर भ्रष्टाचार का जल सामने आया है। इस बार शिकायतकर्ता कोई और नहीं महिला ग्राम प्रधान के पति और ससुर ही हैं। महिला ग्राम प्रधान के ससुर ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के बंदरबांट की शिकायत लेकर CDO और DM के पास पहुंच गया। उसने शपथ पत्र देकर धन की रिकवरी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। जिले के जामो विकास खंड क्षेत्र के लालपुल ग्राम निवासी जगरूप ने मुख्य विकास अधिकारी अमेठी को शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से बिना कार्य कराए सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने जनहित में गबन किए धन की रिकवरी और विधिवत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आगे लिखा है कि ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान मीना देवी और ग्राम पंचायत सचिव ने वर्ष 2023 से 2024 में नाली तालाब आदि की मनरेगा के तहत खुदाई का कार्य दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए धन का गबन कर लिया है, जबकि स्थलीय जांच कराई जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मौके पर कोई भी काम नहीं हुआ है। पत्नी है तो इसको हम लोग नहीं, प्रधान हमारे पिताजी ने बनाए, हमारी जनता बनाई, हमने बनाए, क्योंकि समान सीट थी, हम भी लड़ सकते थे, लेकिन उसमें ये हुआ कि जनता बोल रही थी, हम भी सोचे कि हाँ चलो हमारी पत्नी को लड़ाया जाए। लड़ाने के बाद इसको प्रधान बनाया गया। प्रधान बनाने के बाद इसका फिर बदलाव चालू हो गया, अपना किससे संपर्क है किससे क्या नहीं, अपना बातचीत करना चालू कर दी। फिर उसके बाद ये भागना चालू कर दी, यहाँ से भाग के दिल्ली गई। दिल्ली के भागने के बाद दिल्ली से मैं इसको लेके आया, जिसी तरह कर्जा से पाती से पैसे लगा के। फिर उसके बाद 10 दिन यहाँ पे थी, 10 दिन के बाद इसने फिर अपना भाग गई। अब मायके में ये रहना रह रही है और मायके में रहने के बाद उसके बाद अपना वहीं से प्रधानी का काम कर रही है। यहाँ घोटाला हमारे यहाँ चालू है। ये अभी संज्ञान में मेरे नहीं था, अभी आप बता रहे हैं, मैं इसको देखवा लेता हूँ कि अगर इस तरह का है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है जैसा कि आप बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाएगी। यह जाँच का विषय है, इसको मैं देखवा लेता हूँ। वहीं सहारनपुर के थाना गंगोह के मोहल्ला कुर्सियान स्थित शाह विलायत मस्जिद में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मस्जिद में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। आज सुबह थाना गंगोह पर सूचना प्राप्त होती है कि कुर्सियान मोहल्ले में एक मस्जिद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और घटनास्थल का फॉरेंसिक यूनिट द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की जाती है। जब इसकी शिनाख्त की जाती है तो पता लगता है कि यह जो मृतक व्यक्ति है ये रहने वाला शामली का था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।